नमस्कार दोस्तों, राजशाला इन्फो चैनल में आपका स्वागत है। शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन। साथियों, शाला दर्पण पोर्टल पे विद्यार्थी का रिजल्ट वेरीफाई करने के लिए टैब प्रारंभ कर दी गई है। विद्यार्थी का जनरेट ग्रीन शीट करने के पश्चात जो ड्राफ्ट के अंतर्गत हमें मार्कशीट दिखाई देती थी, अब उसे वेरीफाई कर सकते हैं। यदि विद्यार्थी का रिजल्ट एक बार वेरीफाई कर दिया है और वेरीफाई करने के पश्चात उसमें कुछ करेक्शन करवाना है तो हम किस तरीके से उसे अनलॉक कराएंगे, इन सभी के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। विद्यार्थी का रिजल्ट वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले हमें शाला दर्पण पर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के पश्चात हमें इस तरीके से डैशबोर्ड दिखाई देगा, जहां पे स्माइल 3.0 टैब के ऊपर हमें क्लिक करना होगा। 3.0 टैब पे क्लिक करने के पश्चात जनरेट एंड प्रिंट मार्कशीट 2021-22 टैब के ऊपर क्लिक करना है। अब हमें इस तरीके से डैशबोर्ड दिखाई देगा, जहां पे सबसे पहले विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम दिखाई दे रहा है। आपको इसे नीचे स्क्रॉल करेंगे, वर्ष दिखाई दे रहा है, कक्षा का चयन करना है और वर्ग का चयन करना है। जिस कक्षा के लिए आप विद्यार्थियों का परिणाम तैयार करना चाहते हैं, वेरीफाई करना चाहते हैं, उस कक्षा का सबसे पहले हमें चयन करना होगा। 11th कक्षा के लिए हम रिजल्ट तैयार कर रहे हैं तो विषय का चयन करना है, जिस विषय के लिए जो कक्षा है। उसके पश्चात शो स्टूडेंट के ऊपर क्लिक करेंगे। शो स्टूडेंट के ऊपर क्लिक करने के पश्चात हमें इस तरीके से दिखाई देगा, जहां पे विद्यार्थी का नाम पहले से दिखाई दे रहा था, मदर्स नेम, फादर्स नेम, जन्मदिनांक, एसआर, क्लास, स्टेटस दिखाई दे रहा था, जनरेट रिजल्ट दिखाई दे रहा था, प्रिंट, और इसके अंत में आपको दिखाई दे रहा है वेरीफाई रिजल्ट। वेरीफाई रिजल्ट की जो न्यू टैब है वह प्रारंभ कर दी गई है। सबसे पहले विद्यार्थी का हमें जनरेट रिजल्ट के ऊपर क्लिक करके जनरेट रिजल्ट करना है। फिर ड्राफ्ट के अंतर्गत आपको यहाँ पे क्लिक करके विद्यार्थी की मार्कशीट देख सकते हैं कि विद्यार्थी की मार्कशीट के अंतर्गत हमें किसी भी प्रकार का करेक्शन करना हो तो ड्राफ्ट के ऊपर क्लिक करने के पश्चात डुप्लीकेट मार्कशीट हो आपको इस तरीके से विद्यार्थी की दिखाई देगी, जिसके अंतर्गत विद्यार्थी की प्रतिशत दिखाई देंगे। प्रतिशत के अतिरिक्त विद्यार्थी के जो भी प्राप्तांक प्राप्त किए हैं अंक वैसे भी दिखाई देंगे। इसके अतिरिक्त अब रिजल्ट वेरीफाई करने के लिए हमें वेरीफाई रिजल्ट के ऊपर क्लिक करना होगा। वेरीफाई रिजल्ट के ऊपर क्लिक करने के पश्चात यहाँ पे क्लिक करेंगे, आर यू श्योर वांट टू प्रोसेस के ऊपर क्लिक करते ही यहाँ पे विद्यार्थी का रिजल्ट वेरीफाई हो जाएगा। रिजल्ट वेरीफाई सक्सेसफुल। विद्यार्थी का रिजल्ट एक बार वेरीफाई होने के पश्चात आपको यहाँ पे स्टेटस में वेरीफाई दिखाई देगा, जहाँ पे पहले आपको ड्राफ्ट दिखाई दे रहा था वहाँ पे अब आपको प्रिंट रिजल्ट के ऊपर क्लिक करके विद्यार्थी का रिजल्ट प्रिंट कर सकते हैं। साथियों, यदि प्रदर्शित विषय अंक व गणना सही है तो वेरीफाई जो भी प्रदर्शित किया गया है के बटन पर क्लिक कर सत्यापित कर दे, तथा यदि अंकों में बदलाव करना है तो स्माइल असेसमेंट 2021-22 द्वारा अंकों में बदलाव करें तथा पुनर्जनरेट रिजल्ट दबाए, अन्यथा ऐसा नहीं करने पर पूर्व के अंक ही प्रदर्शित होंगे। यदि आप अंकों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करते हैं तो परिवर्तन करने के पश्चात आपको असेसमेंट 2021-22 में अंकों की फीडिंग करनी है, उसके पश्चात जनरेट रिजल्ट को पुनः दबाना है, नहीं तैयार हो जाएगी। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो जो संशोधित किया गया है वह यहाँ पे सेव नहीं होगा। ध्यान रहे कि एक बार आप द्वारा वेरीफाई कर दिया गया रिजल्ट अब संबंधित विषय के अंकों में परिवर्तन कर पाएंगे। आप द्वारा सत्यापित करने पर अंक तालिका का प्रिंट लेवे, जिसमें वाटरमार्क शाला दर्पण दिखाई देगा। ड्राफ्ट वाटरमार्क के साथ प्रदर्शित अंक तालिका केवल गणना के लिए है, तो जो भी आप ड्राफ्ट के तहत अंक तालिका प्रिंट करते हैं वह गणना के लिए होगी। वेरीफाई करने के पश्चात आप विद्यार्थी की मार्कशीट का प्रिंट ले सकते हैं। किसी कारणवश यदि सत्यापन वेरीफाई के बाद भी यदि अंकों में बदलाव करना है तो इस हेतु संबंधित सीबीओ के लॉगिन पर अनलॉक विकल्प का प्रावधान किया गया है। जो ग्रीन शीट विकल्प द्वारा कक्षावार विद्यार्थी रिकॉर्ड विद्यालय हेतु सॉफ्ट कॉपी पीडीएफ में रख सकते हैं। यदि मार्कशीट वेरीफाई कर दी है तो वेरीफाई करने के पश्चात अनलॉक का विकल्प सीबीओ लॉगिन पर उपलब्ध है, तो आप वहां से अनलॉक करवा सकते हैं। विद्यालय से अब अनलॉक नहीं हो पाएगी। कक्षावार छात्र वरीयता जनरेट होने तथा तत्पश्चात अंकों में परिवर्तन में यदि वरीयता में भिन्नता होती है तो अंतिम दिनांक को जनरेट की गई वरीयता ही मान्य होगी। यदि विद्यार्थियों के अंकों में परिवर्तन किया जाता है और परिवर्तन करने के पश्चात आप अंतिम समय में जो विद्यार्थी की जनरेट मार्कशीट करते हैं तो वही मान्य होगी। साथियों, स्माइल 3.0 टैब के अंतर्गत वेरीफाई मार्कशीट का ऑप्शन प्रारंभ कर दिया गया है। अब विद्यार्थियों की मार्कशीट वेरीफाई करके हम प्रिंट निकाल सकते हैं। धन्यवाद साथियों।